हेलो सो विक्रा जी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि हमारा प्रमोशन अभी तक हुआ या नहीं हुआ। सर्विस के 4 साल हो चुके हैं तो प्रमोशन का क्या प्रोसीडर होता है, कितनी सैलरी बढ़ती है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। और ये मेरा बाबू का देखिए फिलहाल अभी सोच रहा है कि हम क्या बोलें। क्या रे क्या कहना चाह रहे, बदमाशी धीरे धीरे इसका बढ़ गया है। हाँ बाबू करेगा क्या, चाओ चाओ जाओ खेलो, इसको दिन भर खेलने में मन लगता है। तो देखिए प्रमोशन का क्या प्रोसीडर होता है, आप ग्रुडी में ज्वाइन करेंगे तो आपको लेवल 1 पोस्ट दिया जाता है। लेवल 1 मतलब होता है जो सबसे निचले लेवल से होता है, जितना लेवल आपका कम होगा उतना सैलरी कम होगा, ग्रेड पे कम होगा, जितना लेवल बढ़ते जाएगा उतना सैलरी आपका हाई होता जाता है। तो लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे होता है, हमारा ग्रुप डी में 1800 ग्रेड पे है। उसके बाद जैसे लेवल 2 में प्रमोशन होगा उसके बाद सीधा आपका ग्रेड पे 1900 हो जाता है। 1900 ग्रेड पे में क्या होता है कि आपको ALP जो होता है रेलवे ड्राइवर उसको 1900 ग्रेड पे मिलता है, टेक्नीशियन जो होते हैं रेलवे में उसको 1900 ग्रेड पे दिया जाता है, और बहुत सारे देखेंगे जूनियर क्लर्क वगैरह जो होते हैं स्टेट बोर्ड में उसको भी 1900 लगभग 1900 ग्रेड पे ही होता है। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो SSC है, रेलवे है, बैंकिंग हो, UPSC हो या अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये GK की बुक बेस्ट हो सकता है। ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, ये 1 लाइन अप्रोच के साथ ये दिया हुआ बुक है। NCERT के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित बुक है। इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ साथ आपको साइंस भी मिल जाएंगे, और आज़ादी से अब तक के जितने मुख्यमंत्री राज्यपाल हुए सारे भी इसमें अपडेट कर दिए गए हैं। और इसमें सभी टॉपिक्स को टेबल एंड चार्ट के फॉर्म में दे रखा है। साथ में पूरी बुक ये डबल कलर्ड बुक है, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसको रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ बुक है। और इस बुक को मैं पढ़ रहा हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छी बुक लगी है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें लास्ट 25 सालों के जितने भी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो इसमें बुलेट फॉर्म में दे रखे हैं। और इसमें अगर पेजों की संख्या देखा जाए तो टोटल 600 से भी ज़्यादा पेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका बुक प्राइस देखिए देखा जाए तो 270 रुपये है, लेकिन ये आपको मार्केट में 170 रुपये के अंदर में मिल जाएगा। और इसको आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उस पर जाकर चाहे तो आप ले सकते हैं। उसके बाद 1900 के बाद सीधा 2400 ग्रेड पे होता है। 2400 जो होता है वो सीधा कीमेन का पोस्ट होता है। अगर 2400 ग्रेड पे आपको देगा तो आपको फिर कीमेन में जाना पड़ सकता है, अगर खाली रहेगा तो फिर कीमेन के लिए भेज देगा, नहीं तो कीमेन का आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद जिसको आप लेवल 4 बोलते हैं, उसके बाद लेवल 5 में जाएंगे तो आपको सीधा मेट का पोस्ट मिलेगा जिसको मिस्त्री बोलते हैं, उसका 2800 ग्रेड पे होता है। उसके बाद सीधा JEE बन सकते हैं जिसको 4200 ग्रेड पे होता है, वो लेवल 6 में आ जाता है। तो इस तरीके का होता है लेवल 6 JEE जो होता है वो स्टेशन मास्टर के बराबर के पोस्ट का होता है, उसको उतना ही सैलरी मिलता है जितना JEE को मिलता है। प्रमोशन देखिए डिपेंड करता है आपके सीनियरिटी पे। हमारा सीनियरिटी लिस्ट अभी 70 नंबर पे है, हमने RTHR में इसमें चेक किया तो 70 नंबर दिखा रहा है, मतलब 70 नंबर मेरे से भी ऊपर चल रहा है। सीनियरिटी होता है कि आपका ज्वाइनिंग देखा जाता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, एज देखा जाता है। अगर मान लीजिए एक ही दिन हमारे साथ बैच के ज्वाइन किए, हल्ला कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा है कुछ। तो इसमें होता क्या है कि देखिए ये आपका जैसे हमारे बैच में एक बार में होता है जैसे 100-150 लड़के ज्वाइन किए एक ही साथ, तो हमसे जो डेट ऑफ बर्थ में जो सीनियर होगा जैसे मेरे से 1-2 साल बड़ा होगा तो वो सीनियरिटी में ऊपर चला जाता है। तो इसमें एक दिन अगर डेट का ज्वाइनिंग हो जाता है तो उसके साथ आपको डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। तो हमसे 8-10 साल पहले से जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे सीनियर भैया सब लोग का ट्रांसफर मतलब प्रमोशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 2400 ग्रेड पे मिल गया, किसी किसी को तो 2800 ग्रेड पे हो चुका है। तो होता है कि डिपेंड करता है देखिए आपको सीट खाली पे, अगर देखिए यहाँ से होता है कि बहुत सारे पुराने लोग ट्रांसफर होकर चले गए तो नए लोग जब आते हैं तो क्या होता है कि पुराने लोगों को मतलब छोड़ के नए लोगों को प्रमोशन दे दिया जाता है। प्रमोशन किसी किसी को देखो 1900 ग्रेड पर तुरंत मिल जाता है, किसी को 2400 मिल जाता है। सीनियर हमारे जब उसको आपको तो हम लोग को जो सीनियर जो भैया लोग थे उनको हुआ क्या कि 1900 और 2400 जल्दी मिल गया, 2800 भी बहुत लोगों को हो चुका है, लेकिन हम लोग का टाइम में नहीं मिल पाया क्योंकि अभी भी बहुत सारे सीनियर लोग जब जाएंगे तो हम लोग को भी प्रमोशन दिया जाएगा। तो देखते हैं, अभी सीनियर लोग तो फिलहाल गए नहीं, हम लोग का प्रमोशन अभी तक हुआ नहीं। हम लोग से जो सीनियर थे उनको 2 साल में ही प्रमोशन 1900 मिल गया था, हमारा भी क्या कि 4 साल हो गया लेकिन अभी तक 1800 ग्रेड पे ही चल रहा है, सैलरी भी अभी जान ही रहे कम है। 1900 ग्रेड पे होने से सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, 1900 में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2400 ग्रेड पे होगा तो आपका सैलरी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, 35-40-45-45 हज़ार आपको सैलरी कम से कम मिलेगा। तो ऐसा होता है, हालांकि देखते हैं प्रमोशन कब होता है। अभी फिलहाल जितने सारे सीनियर लोग सब चले जाएंगे ट्रांसफर होकर, तो जूनियर हम लोग फिर सीनियर बन जाएंगे तो हम लोग को प्रमोशन दिया जाएगा। फिर हमारे से जूनियर जो आए नए बैच के जो लड़के आए उन लोग मेरे नीचे रहेंगे, फिर जैसे जैसे अगर हम मान लीजिए कहीं और चले जाते हैं ट्रांसफर होकर तो फिर उन लोगों को प्रमोशन दिया जाता है। इस तरीके से इसमें होता है।
और सैलरी क्या है कि अभी फिलहाल 1800 ग्रेड पर मैं कुछ खास सैलरी होता है नहीं है, 25 से 30 के बीच में सैलरी आते रहता है। ये वीडियो पहले हल्ला नहीं कर रहा था, अभी वीडियो बनाने लगे तो ये ज़्यादा हल्ला करने लगा। फिर पीछे जा रहा है, आओ आओ आ जाओ मामा। हाँ मामा आओ, पापा कहें पापा। भगवान के लिए खड़े करते हैं गोदी में रहने वाला बताना है कि बर्थडे नीचे आने वाला। तो यही सारी बातें हैं, तुम्हें कैसा लगता है बताओ, प्रमोशन हुआ नहीं होने से क्या तुमको लग रहा है बताओ? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पागल प्रमोशन हो गया तो पैसा ज़्यादा ना बनेगा, सैलरी ज़्यादा मिलेगा, फिर तुम फर्क नहीं पड़ता हो काहे पता मतलब इसको समझ नहीं आता कि प्रमोशन होता क्या, सबसे बड़ी बात यह है इसको कुछ पता नहीं चलता ग्रेड पे क्या। बहुत लोगों को देखिए, हम लोग जब तैयारी करते थे तो हम लोग को उसमें पता नहीं था ग्रेड पे क्या होता है, सैलरी कितना होता है। तो अब आप लोग को भी, बहुत सारे लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उन लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जैसे आप जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरीके का कितना सैलरी वगैरह होता है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, अभी देखते हैं प्रमोशन कब तक होता है, अभी चांसेस तो है प्रमोशन होने का, तो अभी जब प्रमोशन होगा तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि हमारा प्रमोशन हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल देखते हैं, अभी यूनिट ट्रांसफ़र भी डाले हुए हैं श्रीकाकुलम रायगढ़ की तरफ, तो देखते हैं यूनिट ट्रांसफ़र आने से जाने का प्लान तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, कब आता है ट्रांसफ़र वो समय पता चलेगा। वो उड़ीसा की तरफ डाले हुए हैं नौपाड़ा की तरफ, तो देखिए कैसा है। अब मैंने कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी देखना पड़ता है, यहाँ तो स्कूल थोड़ा सा नहीं है, फिर मार्केट में रहना पड़ेगा, फिर मार्केट में रहने के लिए पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, इस वजह से थोड़ा महंगाई भी खाली हालांकि ज़्यादा है। रूम रेंट का 5000 रुपये ले लेता है, हम लोग मुजफ्फरपुर में 3000 में 2000 में बढ़िया वाला रूम मिल जाता है, यहाँ वो रूम का 6000 5000 रूम का भाड़ा लेता है, कहाँ से देगा आदमी पैसा, लोन भी कट रहा है अपना, अपना खर्चा भी देखना है। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।